Hey guys, this is my YouTube channel. Welcome back. Before we start, make sure you click on the subscribe button. Have you seen on title or thumbnail? We shall discuss about revelation और जो आर रेचैकिंग है उसके बारे में है जो अपन है जो डिस्कस करेंगे. हिंदी में ही मैं डिस्कस करूँगा, इंग्लिश में मैं है जो हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी बता दूँ, बाकी मोस्टली है जो अपन है जो इन हिंदी ही अपन बात करने वाले हैं. तो सबसे पहले है देखो, किसी को भी है जो रेवोल्यूशन और रेचैकिंग को मैं एक तरीके से उसको चांस कह सकता हूँ, और या फिर उसको आप अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हो. चांस और अपॉर्चुनिटी दोनों का मतलब होता है अवसर या फिर मौका, कुछ इस तरीके से. जैसे कि अब देखो, रेवोल्यूशन और रीचेकिंग में जो मेजर डिफरेंस है वो मैं आपको है जो थोड़ा सा लेट बताऊंगा, लेकिन है जो आर और आर से ही दोनों की जो है स्पेलिंग्स है वो दोनों स्टार्ट होती है. हैशटैग रेवोल्यूशन, हैशटैग रीचेकिंग के रिगार्डिंग है जो बता रहा हूँ. रेवोल्यूशन में है जो जिस तरीके से ये डिफरेंट होता है, डिफरेंशियस जिस तरीके से अपन है जो इसको कंपेयर करें कि रीचेकिंग से, तो रीचेकिंग का जो मेजरली जो मीनिंग होता है, रीचेकिंग का मतलब होता है कि दोबारा है जो पुनर्जांच करना, कि मैं ऐसा कह सकता हूँ इन हिंदी तो किसी भी चीज़ को है जो दोबारा है जो उसको चेक करना. अब दोबारा चेक करने का मतलब ये हो गया कि जो चेक हो चुका है, मेरी बात है जो बिल्कुल गौर से सुनना और गौर से है जो देखना, जो चीज़ चेक हो चुकी है ऑलरेडी उसको ही तो आप रीचेक कर सकते हो. और तो वहाँ पर बात ये आती है, एज ए स्टूडेंट वे से अगर देखा जाए तो, एज ए स्टूडेंट वे अगर आप छात्र हो और उस वे से अगर आप देख रहे हो, तो फिर वो वहाँ से है जो जो आपकी जो कॉपी है वो दोबारा चेक. अब दोबारा चेक करने का मतलब ये हो गया कि जो पहली बार में जो इन द फर्स्ट टाइम है जो जो कॉपी चेक हुई है जिसमें जो मार्क्स दिए गए हैं, उन मार्क्स को है जो केवल और केवल है जो जिस भी क्वेश्चंस में है जो आपके ऑब्टेन मार्क्स है कि कौन से क्वेश्चन में है जो कितने नंबर दिए गए हैं, तो वो केवल है जो जस्ट चेक होता है कि किसी भी क्वेश्चंस में है जो जो मार्क्स है वो देना शायद हो सकता है बाय मिस्टेक कि नहीं दिया गया हो, तो वो तो होती है एक तरीके से रीचेक, कि दोबारा चेक करके देखना किसी भी आंसर बुक को कि कौन से क्वेश्चन में है जो लगभग मान लो वेटेज, मान लो जैसे कोई पैराग्राफ है तो फिर पैराग्राफ है जो थोड़ा सा अधिक अंकों का रहता है तो फिर उसमें है जो बेटर है, अगर आपका आपके वैव आंसरिंग अगर अच्छी है तो फिर वो ऐसी बात हो जाती है, तो फिर उसमें है जो वो इंक्रीज होने के चांसेस भी है, जो डिपेंड तो वो करता है इंक्रीज होने के चांसेस में, तो कि जैसे कि आपके सारे सब्जेक्ट्स में है जो अच्छे मार्क्स है, सिंगल सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो वो एक अलग ही एल्गोरिथम रहता है, तीन सब्जेक्ट का एक अलग रहता है, दो सब्जेक्ट का अलग रहता है, और जो बिल्कुल ही लो स्टूडेंट रहते हैं उनका एक एल्गोरिथम अलग रहता है. ये डिपेंड करता है आपकी वैव पांसरिक और आपकी मार्कशीट का जो एल्गोरिथम है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. हालांकि मैं आपको है जो नीचे पिन कमेंट में ज़्यादा जानकारी के लिए मैं कमेंट सेक्शन में जाना आप, और वहाँ पर पिन कमेंट में देखना, हमारी ही टीम है, हम उसमें आप मदद कर देंगे. एक हेल्पलाइन नंबर है व्हाट्सएप के, उसमें भी अगर ये थोड़ा आप अगर आपको है डिफिकल्ट लगता है कि आपको है जो क्या करना चाहिए आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग, हालांकि पूरा का पूरा सॉल्यूशन वो वहां से भी हो जाएगा, बाकी ये भी बेटर है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप संपर्क करो या नहीं करो. मैं आई एम नॉट फोर्सिंग यू, मैं फोर्स नहीं है इसके रिगार्डिंग, बाकी ये चीज आप समझो. तो उसके बाद है जो, हालांकि हाँ मैं यह बताना भूल गया था, आप वहां से भी है जो डायरेक्टली आपका फॉर्म भी फिल कर सकते हो. अब बात आती है रेवोल्यूशन के, रेवोल्यूशन में क्या होता है, रेवोल्यूशन में उसका पुनर्मूल्यांकन होता है, दोबारा उसका मूल्यांकन किया जाता है. मूल्यांकन का मतलब हो गया कि उसको है जो जो अंक जो दिए गए हैं उन अंकों का है जो मूल्यांकन किया जाता है. अब मूल्यांकन मतलब कि जो अंक दिए गए हैं, जैसे कि जिसको मैं एज ए सिमिलर बताऊंगा रीटोटलिंग, कि दोबारा गणना करना, या फिर क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में है जो कोई मार्क्स देने हैं जो भूल गए हैं, तो फिर वहां पर है जो उसमें है जो वो मार्क्स देना और उसके बाद दोबारा उसमें सबमिट करना, वो सब सारी चीज़ें हैं जो रेवोल्यूशन के रिगार्डिंग आती है. बाकी सप्लीमेंट्री हो गया और कंपार्टमेंट हो गया, इसके लिए तो है जो आप सप्लीमेंट्री में, तो क्या है सप्लीमेंट्री में, तो कि आपको दोबारा है जो एग्ज़ाम देना पड़ता है, ये कंपार्टमेंट में भी है जो आपको दोबारा एग्ज़ाम देना ही पड़ता है जिस जिस सब्जेक्ट में है. बाकी फिर भी अगर इनसे संबंधित अगर है जो आपको किसी भी चीज़ में अगर आपको क्लियरिफिकेंस चाहिए, कुछ है जो इमरजेंसी हो या फिर है जो नीड हो वाकई, तो आप है जो नीचे पिन कमेंट सेक्शन में भी जाकर है जो हेल्प ले सकते हैं. हालांकि मैं पहले ही बता दूं, फी आपकी लगेगी लेकिन है जो आपका वर्क है जो कंप्लीट हो जाएगा,
इतनी सी बात है, क्योंकि मैं यहाँ पर है जो सोशल मीडिया पे झूठ नहीं बोल सकता हूँ। थैंक यू सो मच। और अच्छा लगा हो तो आप है जो सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को, धन्यवाद। वैसे मैं मेरा परिचय के लिए बता दूँ, मैं एक एजुकेशनलिस्ट हूँ, कमेंटेटर हूँ, वॉल्यूंटर हूँ और जर्नलिस्ट हूँ। और उसके बाद अलावा है जो मैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचर हूँ, बाकी DEO से मैं ऑफिशियली कनेक्टेड हूँ। और उसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप मुझे यहाँ पर देख रहे हो तो मैं यहाँ पर एक यूट्यूबर भी हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाओ और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच।